दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है, सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। जी हाँ दोस्तों, जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है, ये सवाल सभी लोगों के मन में जरूर आता होगा। अगर भारत सरकार बहुत सारे नोट छापकर गरीबों को दे देगी तो गरीबी मिट जाएगी और कोई भूखा पेट नहीं सोएगा और न भीख मांगेगा, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर गरीबी क्यों नहीं मिटा देती है और सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक और बात को समझना होगा। बात यह है कि किसी भी देश में बनने वाले सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है, यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। तो दोस्तों, इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास लाखों करोड़ रुपए आ गए, तो अब मार्केट में एक कोई सामान खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 100 रुपए थी, तो अब वो दुकानदार उस सामान को 100 रुपए में क्यों देगा, जहां वो उस सामान पर पहले 10 रुपए बचा रहा था, तो अब उसे सामान पर 10 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार उन सामान की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल सभी चीजें की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि पहले जिस सामान को फैक्ट्री में बनाने का खर्च 100 रुपए था वो अब 1000 रुपए हो गया, क्योंकि पहले जो वर्कर 500 रुपए में काम करते थे अब वो सीधा 5000 लेता है, क्योंकि सरकार ने तो उसे पहले करोड़ों रुपए दे दिया, अब उसके पास करोड़ रुपए है तो अब वो 500 में काम नहीं करेगा ना, अब उसे ज्यादा पैसा चाहिए तो तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, तो कंपनी वर्कर को ज्यादा पैसा देगा, इस वजह से कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा खर्च आएगा और कंपनी सामान महंगा कर देगा। तो मार्केट में भी सामान का रेट ज्यादा हो जाएगा और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी, ऐसे में देश बर्बाद हो जाएगा और देश की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकता। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी गलती दो देश पहले कर चुकी है, चलिए आपको उन दो देशों के बारे में बताते हैं। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में दो देश ने ऐसी गलती की है। पहली जर्मनी और दूसरी जिम्बाब्वे है। पहली विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत गिर गया था। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिले हार से वो कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी की सरकार ने सोचा कि खूब सारे पैसे छाप कर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारे पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। और कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवेल्यूशन हो गया और वहाँ की सामान की कीमत काफी हद तक बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें हुआ कुछ यूँ कि वहाँ के लोगों को मैगी नूडल्स जैसे चीजों को खरीदने के लिए थैले भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा नोट छपेंगे उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, ऐसा करने पर उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी जमीन पर आ गिरेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि करेंसी मतलब रुपए जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, बल्कि उसकी एक्सचेंज की वैल्यू होती है, जैसे कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। अभी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सरकार ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है और सबको अमीर क्यों नहीं बनाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।